दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अमरूद की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा चलन में आ चुकी है और धड़ल्ले से इस वक्त ये अमरूद का पौधा पॉपुलर हो रहा है और बिक रहा है। कौन सी वह वैरायटी है इस वीडियो में बात करूंगा। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अमरूद की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत धड़ल्ले से भारत के बाजारों में यानी नर्सरियों में बेची जा रही है। कौन सी प्रजाति है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है और कितने प्राइस तक में ये नर्सरियों में मिल जाता है या ऑनलाइन नर्सरियों में मिल जाता है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों आप मेरे सामने ये जो पौधा देख रहे हैं ये एक अमरूद की प्रजाति है और ये जापानी अमरूद इसे बोला जाता है। और दोस्तों आपको मैं पहले प्लांट दिखाना चाहूँगा, गमला दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा ये कौन सी प्रजाति है। और दोस्तों देखिए इसमें दो जगह ये फ्रूट सेट हो गया है और एक फ्रूट नीचे सेट हुआ है और एक ऊपर सेट हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा फ्लावर, ये देखिए फ्लावर और बहुत सारा जो है इसमें फ्लावर धीरे धीरे अब आने लगा है। और पत्तियां आप देख लीजिए, ये नॉर्मल अमरूद के पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनसे काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। और दोस्तों इसका प्लांटेशन मैंने करीब 4 महीने पहले किया था और आप देख सकते हैं इसमें ये फ्रूट आ गया। दोस्तों इस प्रजाति का नाम है रेड डायमंड गुआवा और ये अमरूद की एक नई प्रजाति है और कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी प्रजाति है। जिन लोगों को बिना बीज वाला अमरूद खाना है तो इस प्रजाति को आप अपने यहाँ टेरेस गार्डन पर, अपने खेतों में, अपने बागों में लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया प्रजाति है। और मेरे पास ताइवान पिंक भी है, 1 kg भी है और कई अन्य अमरूद की प्रजातियाँ हैं, लेकिन ये प्रजाति मैं आप लोगों से कहूँगा कि बेस्ट है और इसका प्लांटेशन आप करें। पत्तियाँ आप देख सकते हैं चौड़ी चौड़ी होती हैं और इसमें देखिए फ्रूट की सेटिंग भी अच्छी होती है। मैंने इसमें फ्रूट इसलिए लिया है कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसमें फ्रूट की सेटिंग अच्छी नहीं होती। तो आप गमला देख लीजिए, मैं हटा के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट है और मैंने एक ही बार फर्टिलाइजर इसमें दिया है, दोबारा इसमें मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया है और फ्रूट की सेटिंग देखिए बढ़िया तरीके से हो गई है। फिलहाल छोटे पौधे में फ्रूट नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसमें ये 2 फ्रूट रख लिए हैं। और ये सब जो फ्लावर लग रहे हैं इनको मैं काट के हटाने वाला हूं और इसको बरसात के सीजन में यानी कि जब फर्स्ट या सेकंड बारिश होगी तो बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगा या ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि 4 महीने का ये पौधा हो चुका है, इसकी जड़ पूरी तरीके से गमले में विकसित हो चुकी होगी, भर चुकी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रजाति को अपने यहाँ टेरेस गार्डन में आप कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एक ऑप्शन है लेकिन मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन एक बेहतर ऑप्शन होगा। ये जो पौधा है मैंने, जहां मैं रहता हूं लखनऊ में, ये पौधा बहुतायत मिलता है और मैंने कई नर्सरियों में ये पौधा देखा है रेड डायमंड का, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए। इसीलिए मैं पौधे को बहुत ही आसानी से आप लोगों को दिखाता हूँ कि पत्तियाँ देख लीजिए चौड़ी चौड़ी होती हैं। और ग्राफ्टेड प्लांट ही आप लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट जो होता है वो इस वैरायटी के लिए खास है और अच्छा माना जाता है। तो जैसे VNR जो अमरूद होता है उसमें ग्राफ्टेड प्लांट अच्छा माना जाता है, इस वैरायटी में भी ग्राफ्टेड प्लांट बढ़िया माना जाता है। और ये अमरूद खाने में भी टेस्टी है, देखने में भी सुंदर है, कलर भी बेहतरीन आता है। तो और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इसका प्लांटेशन जरूर से जरूर करें, क्योंकि इसका जो बाजार भाव है वो जो VNR अमरूद आता है उससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि 100 रुपये के आसपास ये कमर्शियल बाजार में इसका रेट रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अमरूद की प्रजाति को आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। फलन भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि इसकी फलन अच्छी नहीं है। ताइवान पिंक या VNR या 1 kg जो अमरूद आते हैं, जो इस अमरूद की फलन है वो भी बहुत अच्छी है। मैंने आपको एक छोटे से गमले में यानी कि 10 इंच के पॉट में भी फ्रूट लेके आपको दिखा दिया है कि देखिए फल लग जाता है। और मेरे पास इसका पका हुआ फ्रूट तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में जब ये फ्रूट बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, तो मैं वीडियो जरूर पब्लिश करूंगा, अगर ये फ्रूट सही सलामत बचा रहा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि इसका फ्रूट साइज क्या होता है और इसका अंदर जो कलर आता है लाल कलर का, यानी खरबूजे का कलर जो आता है वो भी मैं दिखाऊंगा। दोस्तों प्राइस की बात करूँ तो ये पौधा 150 से 250 रुपये के आसपास नर्सरियों में मिल रहा है।
ऑनलाइन नर्सरियों का क्या रेट है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल लखनऊ में ये 150 रुपए के आसपास ये पौधा आपको आसानी से मलिहाबाद में मिल जाएगा। और मैं अभी विजिट पे गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि ये पौधा इसी रेट में बिक रहा है। फर्टिलाइज़र में नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट ही इसमें प्रयोग किया हूँ और कुछ भी नहीं दिया हूँ। और कीट मकोड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे किया हूँ और एक बार फंगिसाइड, जो साफ फंगिसाइड आप लोग यूज़ करते हो वही मैं भी यूज़ करता हूँ, वही मैंने प्रयोग किया है और इसमें कोई भी प्रयोग मैंने नहीं किया है। दोस्तों ये जो प्रजाति है बहुत ही बढ़िया प्रजाति है और इसको आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगाएं। बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात के मौसम से पहले ही यानी कि फर्स्ट बारिश जब स्टार्ट हो जाए तो आप भी मेरी तरह पॉट में या ज़मीन में, बागों में, खेतों में, कहीं भी इस अमरूद के जो वैरायटी है इसको ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो वैरायटी है आप लोग भी लगाएं और मेरी तरह आप फ्रूट प्राप्त कर सकें। दोस्तों ये जो रेड डायमंड गुआवा की जो प्रजाति है अभी नई है और लेटेस्ट है, और कह सकता हूं कि जो अमरूद की प्रजातियां पहले चल रही हैं, ताइवान पिंक है, VNR है या L49 है, उनसे ये अपग्रेड वैरायटी है। और काफ़ी मैंने सोच समझ के ही इस प्लांट को अपने यहाँ मंगाया है, बहुत जगह मैंने देखा है। फ्रूट तो मैंने अभी नहीं खाया है, लेकिन जिन लोगों ने खाया है उन लोगों ने बताया है कि इसमें बीज जो है नाम मात्र के बराबर होता है, 2 या 4 बीज होते हैं और कलर भी अच्छा आता है। और जो सेल्फ लाइफ होती है इस अमरूद की वो और अमरूद की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, यानी कि आपको अगर 2-4-10 दिन तक इस अमरूद को रखना हो तो ये रखा जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने रेड डायमंड गुआवा के अपने प्लांट को दिखाया, उसके फ्रूट को दिखाया और कुछ जानकारियां आप लोगों से साझा की। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।